मूवी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी छोटी डॉल्फिन को देखते हैं जो गहरे नीले समुद्र के बीच में रहती है। उसे इधर उधर खेलना काफी पसंद है और उसे जो भी मछली मिलती है उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है। उसकी माँ नाना उसे हमेशा चेतावनी देती है कि वह अकेले ना घूमे, लेकिन स्नोबॉल एक जिज्ञासु डॉल्फिन है जो नियमों की परवाह नहीं करती। एक दिन स्नोबॉल एक मछली का पीछा करते हुए समुद्र के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाती है। इस जगह पर सभी मछलियों का जाना मना होता है। चलती उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वो वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक डरावना ऑक्टोपस रास्ते में आ जाता है। स्नोबॉल उसे जाने देने की विनती करती है, लेकिन ऑक्टोपस बेचारी डॉल्फिन को अपने जाल में लपेट लेता है। सौभाग्य से नाना समय पर वहां पहुंच जाती है और अपनी बेटी स्नोबॉल को बचा लेती है। इसी दौरान स्नोबॉल की सांस फूलने लगती है, इस वजह से वो सांस लेने के लिए सतह की ओर दौड़ती है। अचानक उसकी नजर एक विशाल हवाई जहाज पर पड़ती है जो सीधे समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हमेशा की तरह स्नोबॉल उत्सुक हो जाती है और हवाई जहाज के मलबे के पास जाती है। यहाँ उसे एक मानव बच्चा मिलता है जो चमत्कारिक ढंग से घटना से बच गया होता है। स्नोबॉल को लड़का बहुत प्यारा लगता है, वो उसे अपने पास रखना चाहती है, लेकिन नाना को संदेह है कि बच्चे को अपने पास रखना सही है या नहीं। वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करती है और उनके सबसे बड़े सदस्य कछुए की प्रतीक्षा करती है। अन्य समुद्री जीव पहले तो लड़के को पसंद नहीं करते, लेकिन उसका भोलापन देखने के बाद वे सभी उससे प्यार करने लगते हैं। कछुआ ये भी घोषणा करता है कि लड़का हानि रहित नहीं है, लेकिन उसे उचित देखभाल की आवश्यकता है। बच्चे के समुद्र में रहने के फैसले को सुनकर स्नोबॉल तो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए अब उसे एक साथी मिल गया था। वो बच्ची को हमेशा अपने साथ ही रखती थी। लड़का अन्य मछलियों की तुलना में भोला होता है, इसलिए नाना को उस पर अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है। लड़का जल्दी बड़ा हो जाता है और वो मानता है कि वो भी एक डॉल्फिन है। वो नाना को अपनी माँ मानता है और हमेशा उन पर स्नेह दिखाता है। नाना भी उससे प्यार करती है, लेकिन इससे स्नोबॉल को थोड़ी जलन होती है। एक दिन लड़का स्नोबॉल से पूछता है कि वो अन्य डॉल्फिन से इतना अलग क्यों है। स्नोबॉल अनजाने में खुलासा कर देती है कि वो डॉल्फिन नहीं है और उन्होंने उसे समुद्र में पाया था। स्नोबॉल को अपनी बात पर पछतावा होता है और वो विषय बदलने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का अपने मूल के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। स्नोबॉल उसे बताती है कि उन्होंने उसे समुद्र की गहराई में स्थित एक विशाल समुद्री सीप में पाया था। दरअसल ये दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज के अवशेष हैं। लड़का वास्तव में इसे देखना चाहता है, इसलिए स्नोबॉल उसे चुपके से वहां ले जाती है। यहाँ लड़की को अपनी असली माँ की तस्वीर वाला एक हार मिलता है। वो अपने परिवार को जल्दी ढूंढने की उम्मीद में हार को अपने पास रखता है। उन्हें विमान में अजीब चमकते बुलबुले भी मिलते हैं और वे गलती से उन्हें भोजन समझ लेते हैं, लेकिन जब वे इन्हें खाते हैं तो उन्हें सचमुच चक्कर आने लगते हैं। वे घर लौट आते हैं, लेकिन जब वे विमान में जाने की अपने अनुभव के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब नाना उनकी बात को सुन जाती है। उन्हें निषिद्ध क्षेत्र में जाने के लिए डांटती है। वो ये जानकर परेशान हो जाती है कि लड़की को अभी भी अपनी असली माँ की जरूरत महसूस होती है, लेकिन सच न बताने के लिए लड़का नाना पर गुस्सा हो जाता है। वो अधिक सुराग ढूंढने के लिए वापस विमान की ओर भागता है और स्नोबॉल भी उसका पीछा करती है। बच्चा और स्नोबॉल जब विमान के अवशेषों के पास पहुंचते हैं, तब यह स्थान वास्तव में अंधकारमय और कंटीली शाखाओं से भरा हुआ होता है। तभी वहां नाना भी आ जाती है और वो बच्चों से कहती है कि उन्हें ये काम करने दे। वो विमान में प्रवेश करती है, लेकिन वो विमान में बुरी तरह से फंस जाती है। इसके अलावा कांटेदार शाखाएं निकास को अवरुद्ध करने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं। नाना अपने बच्चे को भाग जाने और मदद के लिए दूसरों को लाने के लिए कहती है। स्नोबॉल सभी समुद्री जीवों से अपनी माँ को बचाने के लिए कहता है, लेकिन वे वहाँ जाने से बहुत डरते हैं। इसी दौरान अचानक ऑक्टोपस वहाँ पहुँच जाता है। वो अब काफी बड़ा और डरावना हो गया था। स्नोबॉल भी ऑक्टोपस से उसकी मदद के लिए विनती करती है, लेकिन ऑक्टोपस यहाँ किसी दूसरे मिशन के लिए आया होता है। वो अपनी जहरीली स्याही का उपयोग करके सभी समुद्री जीवों को गुलाम बनाना चाहता है। इससे मछलियाँ अपना होश खो बैठती हैं और ऑक्टोपस की बात मानने लगती हैं। दुष्ट प्राणी उन्हें लड़के को सतह से नीचे लटक रहे मछली के जाल में फेंकने के लिए कहता है। कुछ घंटों के बाद लड़के की आंख समुद्र के किनारे एक छोटे से केबिन में खुलती है। उसे पास में ही एक आदमी सोता हुआ मिलता है। ये आदमी कैप्टन मुरवरीट नाम का एक मछुआरा है जो लड़की को यहाँ लाया होता है। उसने लड़की के लिए कुछ खाना भी छोड़ा होता है। खाना खाने के बाद लड़का समुद्र की ओर भागने के लिए केबिन से बाहर निकलता है। दुर्भाग्य से उसे दो पैरों पर चलने की आदत नहीं थी, इस वजह से वो गिर जाता है।
समुद्र के किनारे तक पहुंचने के लिए वो अपने आप को घसीटने लगता है। लड़का जब समुद्र के किनारे पहुंचता है तब उसे पानी के बाहर कई डॉल्फिन पड़ी हुई दिखाई देती है। स्नोबॉल भी वहीं होती है। वे ऑक्टोपस से बचने की कोशिश कर रहे थे। स्नोबॉल ने लड़की को यह भी बताया कि नाना की मृत्यु हो गई है, अब वो बिल्कुल अकेली है। कैप्टन मुरवरीड डॉल्फिन को वापस पानी में डालने में लड़की की मदद करता है। वो लड़के की हार को जब देखता है तो लड़के को उसकी माँ को ढूंढने में मदद करने की पेशकश करता है। यह सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हो जाता है और स्नोबॉल से कहता है कि एक बार जब उसे उसकी माँ मिल जाएगी तब वो उन दोनों की माँ बन जाएगी। कैप्टन मुरवरीड डॉल्फिन के साथ लड़की के रिश्ते से आश्चर्यचकित है और उसे एक विचार आता है। वह लड़की को घर लेकर जाता है और कैप्टन नूबर नामक एक प्रसिद्ध मछुआरे से मिलने जाता है। वह सीपियां एकत्र करने की प्रतियोगिताएं आयोजित करता है और विजेताओं को बड़े पुरस्कारों से सम्मानित करता है। मुरवरीड उसे डॉल्फिन लड़के के बारे में बताता है और वह प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। कैप्टन नूबर उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि एक बच्चा कभी भी उसके विशेषज्ञ गोताखोरों को नहीं हरा सकता था, लेकिन मुरवरीड को डॉल्फिन लड़के पर पूरा भरोसा होता है। वो लड़की को अपने परिवार से मिलवाता है और अपनी पत्नी से उसकी देखभाल करने के लिए कहता है। मासूम डॉल्फिन लड़का हर महिला को अपनी माँ के रूप में देखता है और स्नेह के लिए तरसता है। सीपियां इकट्ठा करने का अभ्यास करने के लिए मुरवरीड उसे हर दिन समुद्र में ले जाता है। डॉल्फिन लड़का स्नोबॉल के साथ टीम बनाता है और जितना संभव हो उतनी सीपियां इकट्ठा करता है। मुरवरीड वास्तव में प्रगति से खुश है और प्रतिस्पर्धा के लिए तत्पर है। वो पुरस्कार राशि का उपयोग एक बड़ा जहाज खरीदने के लिए करना चाहता है क्योंकि उसका पुराना जहाज एक दुर्घटना में नष्ट हो गया था, लेकिन द्वीप पर रहने वाले अन्य सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें पूरा यकीन है कैप्टन नूबर अपराजी है। दिन तेजी से बीतते हैं और प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। कैप्टन नूबर ने अपने 3 गोताखोरों का परिचय दिया और उनमें से सभी असाधारण कौशल वाले प्रतीत होते हैं। मुरवरीड ने डॉल्फिन लड़के को सलाह दी कि वो घबराए नहीं क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। स्नोबॉल की मदद से वो आसानी से प्रतियोगिता जीत सकता है। संगीत बजने लगते हैं और सभी प्रतियोगी पानी में कूद पड़ते हैं। अन्य गोताखोर यथासंभव अधिक से अधिक सीपियां इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन डॉल्फिन लड़का गुणवत्ता के प्रति अधिक सचेत होता है। 1 घंटे से भी कम समय में कैप्टन नूबर का जहाज सीपियों से भर जाता है, जबकि डॉल्फिन लड़का अभी तक कुछ भी वापस नहीं लाया होता है। हालांकि मुरवरीड का मानना है कि वह निश्चित रूप से जीतेगा। उसे लगता है कि लड़की को इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि वह बहुत सारी सीपियां इकट्ठा कर रहा होगा। कैप्टन नूबर भी नतीजों से उत्साहित हो जाते हैं और अपने आदमी को संगीत बजाना बंद करने के लिए कहते हैं। बाद में उन्होंने प्रतियोगिता को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए मुरवरीड को पारंपरिक ड्रम बजाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद डॉल्फिन लड़का अंततः लौट आता है, लेकिन वह केवल सीपियों का एक छोटा बैग लेकर आता है। कैप्टन नूबर उसे हारा हुआ घोषित करते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। समुद्र के किनारे मौजूद दर्शक भी मुरवरीड का मजाक उड़ाते हैं और घर लौट जाते हैं। मुरवरीड निराशा में रोने लगता है क्योंकि अब वो कभी जहाज नहीं खरीद पाएगा। ये देखकर डॉल्फिन लड़का मुरवरीड से सीपियों की जाँच करने के लिए कहता है। मुरवरीड जब सीपियों की जाँच करता है तो वो देखता है कि ये सीपियां तो बहुमूल्य मोतियों से भरी हुई है। ये देखकर मुरवरीड जश्न मनाना शुरू कर देता है और सपने देखता है कि वो मोती बेचकर मिलने वाले पैसों से क्या क्या कर सकता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक के लिए नहीं होती है क्योंकि एक अप्रत्याशित दुश्मन उसकी ओर आ रहा होता है। मुरवरीड एक जहाज के आने की आवाज सुनता है और वो तुरंत ही मोतियों को अपने मुंह में छिपा लेता है। जहाज महिला समुद्री डाकुओं के एक समूह का होता है और वे मोतियों की तलाश में होते हैं। वे मुरवरीड को बांध देते हैं और उससे मोतियों को उन्हें देने के लिए कहते हैं, लेकिन मुरवरीड ने मोतियों को पहले ही निकल लिया था। ये जानकर समुद्री डाकू काफी क्रोधित हो जाते हैं और उनमें से एक ने मोती पाने के लिए मुरवरीड का पेट काटने का फैसला किया। ये सुनकर मुरवरीड दया की भीख मांगने लगता है, इसलिए समुद्री डाकू उसे कुछ अजीब फल देते हैं जो उसे सारे मोती उगलने में मदद करेंगे। जब उन्हें खा रहा होता है तो डॉल्फिन लड़का जहाज पर फंसी एक सार की मदद करने के लिए चुपचाप वहां से भाग जाता है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक खूबसूरत द्वीप पर पहुंचते हैं। द्वीप पर डॉल्फिन और मनुष्य के कई चित्र हैं, जो देखकर डॉल्फिन लड़का काफी हैरान हो जाता है। समुद्री डाकू उन्हें अपने मालिक के पास ले जाते हैं, जो एक बूढ़ी औरत होती है। उसे एक विशेष शक्ति वर्धक सूप बनाने के लिए मोतियों की आवश्यकता थी। मुरवरीड इस वृद्ध महिला से पहले भी मिल चुका था। यह वो समय था जब एक विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और मुरवरीड का जहाज नष्ट हो गया था।
इस दौरान उसे एक घायल महिला मिली थी और वह उसे बूढ़ी महिला के पास ले आया था। वह घायल महिला और कोई नहीं बल्कि डॉल्फिन लड़की की माँ थी। मुरवरीड ने मान लिया था कि वह महिला मर गई होगी, इसलिए वह डॉल्फिन लड़की को उस जगह पर लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी जीवित है। हालांकि वह कोई साधारण महिला नहीं है, वह अपने आंसुओं के तालाब में लेटी हुई है जो चमकीले नीले रंग में चमक रहा है। लड़के में भी खास विशेषताएं हैं, इसलिए वह इतनी आसानी से पानी में बच गया था। उसे खोने के बाद उसकी माँ बहुत टूट गई थी और तब से उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। वृद्ध महिला का मानना है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉल्फिन लड़का अपनी माँ को इस तरह नहीं छोड़ सकता था। इसी दौरान अचानक वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी पहुँचता है जिसे समुद्र में लड़के का हार मिला था। डॉल्फिन लड़के की माँ को पहचान चुका है और उसका इलाज भी जानता है। डॉल्फिन लड़के की माँ अपनी उड़ान में एक विशेष दवा ले जा रही थी, लेकिन दुर्घटना में वो खो गई थी। इसी संभावना है कि हवाई जहाज के अवशेषों में अभी भी वो दवा मौजूद है। डॉल्फिन लड़का अपनी माँ को बचाने के लिए ये जोखिम उठाना चाहता है, लेकिन मुरवरीड और महिलाएं उसे इसकी अनुमति नहीं देते क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। जब सभी लोग सो जाते हैं तो डॉल्फिन लड़का बूढ़े आदमी को अपने साथ समुद्र में चलने के लिए कहता है। एक बार जब वे वहां पहुंचते हैं जहां विमान के अवशेष पड़े थे, तब डॉल्फिन लड़का स्नोबॉल को बुलाता है। वे एक साथ समुद्र की गहराई तक यात्रा करते हैं। एक झींगा मछली अपने केकड़ों की सेना के साथ उन्हें रोकती है, लेकिन लड़का जानता है कि इससे कैसे निपटना है। वो झींगा मछली से चमकदार समुद्री सीप चुरा लेता है और उसे दूर फेंक देता है। सभी केकड़े उस सीप के पीछे भागते हैं जबकि डॉल्फिन लड़का अपनी यात्रा जारी रखता है। वे कछुए से मिलते हैं और उन्हें बताता है कि समुद्र अब ऑक्टोपस के अधीन है। अभी वो रात के खाने में व्यस्त है, इसलिए डॉल्फिन लड़के को जल्दी करनी चाहिए। वह विमान की ओर भागता है और उसे चमकदार तरल की एक बोतल मिलती है। यह वही दवा है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। लड़का इसे बूढ़े आदमी के पास लेकर जाता है। बूढ़ा आदमी दवा को पाकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन जब डॉल्फिन बॉय जहाज पर चढ़ने की कोशिश करता है तब बूढ़ा आदमी उसे जहाज पर चढ़ने ही नहीं देता। ये देखकर डॉल्फिन लड़का दवा छीनने की कोशिश करता है और गलती से बूढ़े आदमी की नकली दाढ़ी खींच लेता है। दरअसल वह एक गोताखोर है जो काफी समय से इस औषधि की तलाश में था। वह लड़के के माता पिता का करीबी दोस्त था और उन लोगों ने मिलकर एक औषधि विकसित करने पर काम किया था जो मछली को बड़ा और अधिक आक्रामक बना सकती थी। खतरनाक औषधि का परीक्षण करते समय लड़के के पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी मां ने औषधि को हर किसी की पहुंच से दूर ले जाने का फैसला किया था, लेकिन गोताखोर इसे अपने बुरे तरीकों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वो ऑक्टोपस को औषधि खिलाता है और उसे और भी बड़ा कर देता है। डॉल्फिन लड़का स्नोबॉल के साथ वहां से भाग जाता है और द्वीप पर पहुंच जाता है। ऑक्टोपस स्याही सूंघने के कारण स्नोबॉल की तबीयत काफी खराब हो जाती है। बूढ़ी महिला लड़के की माँ की कुछ आंसू ले आती है और उसे स्नोबॉल को पिलाती है, जिससे वो तुरंत ही ठीक हो जाती है। इसके बाद वे सब मिलकर ऑक्टोपस को रोकने के लिए कोई तरीका ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अगर वे ऑक्टोपस को नहीं रोकेंगे तो वह पूरे समुद्र को नष्ट कर देगा। डॉल्फिन लड़का मदद के लिए तैयार है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए पानी में गोता लगाता है। तभी समुद्री जीव ऑक्टोपस के नियंत्रण में है। डॉल्फिन उन्हें आकर्षित करती है और द्वीप के पास ले जाती है। वृद्ध महिला अब तक एकत्र किए गए सभी उपचारात्मक आंसुओं को छोड़ देती है और ये समुद्र के एक छोटे से हिस्से का इलाज करती है। ताह पानी में प्रवेश करने वाले सभी जीव तुरंत ठीक हो जाते हैं। ऑक्टोपस के अंदर कुछ जादुई आंसू डालने में डॉल्फिन लड़की की मदद करने के लिए सहमत होते हैं। दुर्भाग्य से योजना विफल हो जाती है और गोताखोर ऑक्टोपस को और अधिक जहरीली औषधि खिला देता है, जिससे वो पूरे समुद्र को जहरीली स्याही से भरने लगता है। अब ऑक्टोपस एक विशाल डरावना राक्षस बन गया होता है, यहाँ तक कि अपने स्वामी को भी खा जाता है। कैप्टन नूबर और अन्य मछुआरे मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन राक्षस सभी जहाजों को नष्ट कर देता है। ये देखकर बच्चे ने अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए खुद की बलि देने का फैसला किया। उसकी आंसू भी जादुई होते हैं, इसलिए वो रोते हुए ऑक्टोपस के मुंह में कूद जाता है। डॉल्फिन लड़के के ऑक्टोपस के मुंह में जाते ही अचानक ऑक्टोपस गायब हो जाता है और बारिश होने लगती है, जिससे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। स्नोबॉल अब किसी अन्य प्रियजन को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो लड़के की तलाश के लिए पानी में गोता लगाती है। उसे चमत्कारी ढंग से लड़के की माँ मिल जाती है जो लड़के को बचाने में स्नोबॉल की मदद करती है। मुरवरीड लड़की को प्राथमिक उपचार देता है और उसे वापस जीवित कर देता है। धीरे धीरे इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं। समुद्र पूरी तरह से ठीक हो चुका है और ऑक्टोपस इतना छोटा हो गया है कि अब किसी को भी परेशान नहीं कर सकता था।
मूवी के अंत में हम डॉल्फिन लड़के को देखते हैं जो आइलैंड के पास ही तैर रहा होता है। तभी वो अपनी माँ को होश में आते हुए देखता है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाता है। आखिरकार बच्चा अपनी माँ से मिलने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।